अजय रो मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी फिल्म के बारे में, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा, और लोगों को एक्साइट करने जा रहे हैं। आप कितना एक्साइटेड है हमारी फिल्म देखने के लिए, आप बताइए। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, यस, हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज एक वाक्य में जैसे कहते हैं ना कि हटके, जैसे कि सीरियल किलर्स के ऊपर फिल्म है ना, नहीं बनी अभी तक, तो वो उस तरह की फिल्म आ रही है। और मतलब ऐसी वाली नहीं बनी, ऐसी वाली नहीं बनी है, वैसी बनी होगी तो बहुत मार पड़ेगी। तो मारेगा पता नहीं वैसे आपको कौन मार सकता है, उसको ये पिक्चर दिखा दो, कभी नहीं मारेगा। बट यस, आई थिंक लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, थ्रिलर है, आई थिंक मेरा तो फेवरेट जॉनर ही थ्रिलर है, देखने का भी, और नहीं करने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखने के थ्रिलर है, तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा जो हमारा, हमने जो किया है इस फिल्म में, उनको अच्छा लगेगा। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है प्राजक्ता। जो इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, वो मैं 25 साल से 55 साल की उम्र तक का निभा रही हूँ, जिसमें कि एक मेरे छोटे बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं। हाँ, इसमें शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, शी गेट्स टू प्ले अ प्रोस्टिट्यूट, फिर एक घर में काम करने वाली बाई भी बनती है, स्ट्रीट्स में रहती है, बेगिंग करती है, भीख भी मांगती है, तो उस तरह की शेड्स हैं इस कैरेक्टर में, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। हम दोनों बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे, बहुत ही नन्हे मुन्ने, पर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं। मेरा कैरेक्टर का नाम है रेखा, शी बिकम्स अ सीरियल किलर, पर जो हालात है, जैसी ज़िंदगी जीते हैं ये लोग, उसकी वजह से इनका रियलिटी बहुत ही अलग है, हम जैसे रियलिटी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनसे काफ़ी अलग है। ऑल्सो उस वो जेल में जेल जाती है, शी इज़ ऑल्सो स्किज़ोफ्रेनिक, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोपैथ, एंड बट शी इज़ ऑल्सो, देर आर वेरी डिफरेंट शेड्स ऑल्सो, एंड जब आप फिल्म देखते हैं आपको फिर पता चलता है कि एक्चुअली में ये जैसे दिखते हैं वो एक्चुअली है नहीं, और जो जैसा है वो उतना दिखता नहीं है। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो, देर अ लॉट ऑफ लेयर इन ऑल द थ्री कैरेक्टर्स। एंड हाँ, मतलब आप देख ही पा रहे हैं मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ अपने प्रोस्थेटिक्स के साथ, बट इट वॉज रियली रियली फैंटास्टिक टू सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेट विथ नॉट ओनली दीज टू एज को एक्टर्स, बट ऑल्सो शुमंदा हु इज़ अ फैब डायरेक्टर, द डीओपी, यू नो, रवि, एंड एवरीबडी, द राइटर निमिशा, एंड आई थिंक द वर्ल्ड दैट सॉर्ट ऑफ दे वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट एंड क्रिएट वॉज एक्सट्रीमली ऑथेंटिक, एंड यू नो देर वॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट दे हैड डन for you know many many months, and sort of authentically wanted to portray these characters because it's based on a lot of true characters, you know, people who are you know serial killers but also criminals, and wo kahan se aate hain aur kya unka soch hai, kaisa perspective hai, wo dikhane ki koshish hui hai yahan pe। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सॉरी रागिनी, कि हिम्मत होती है ऐसे सब्जेक्ट लेकर आने के लिए, सो आई एम रियली थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स कि ऐसे सब्जेक्ट्स बनने चाहिए, और यू नो इस तरह के अलग तरह की चीज़ें बननी चाहिए, जो आई मीन वी आर लकी कि हम लोगों को ये फिल्म मिली परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी, तो मेरे किरदार का नाम है शिखा देशपांडे। इसकी जर्नी है जो ये बचपन से लेकर इसकी 30-32 तक भी हमने इस फिल्म में डॉक्यूमेंट की है। ये पहली बार है जब मैं एंटी लॉग किरदार पोर्ट्रे कर रही हूँ। अगर मैं अपने कैरेक्टर को क्लिनिकली डायग्नोज करूं तो शी इज़ अ सोशियोपैथ एंड शी इज़ अ साइकोलॉजिकल सीरियल किलर एट द सेम टाइम। जो टाइटल है फिल्म का पोशम पा, वो एक पोइट्री है जो बचपन से हमने सुनी हुई है, जो इस फिल्म के लिए ब्रीफ फिटिंग है, जो डायरेक्टर ने परफेक्ट चॉइस की है शुमंदा ने, कि हाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द टाइनी इम्प्रेशंस ऑफ आर चाइल्डहुड लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ आर अडल्टहुड एंड आर लाइफ। वो बोलते हैं ना, भूत के पाँव पालने में होता है, ऐसा कोई कहावत है ना, सो आपके बचपन से हर चीज़ कनेक्टेड होती है, और ये उसी की जर्नी है। सो यू जस्ट वॉच इट, इट्स अ ग्रेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एंड पहली बार हम फीमेल टॉक्सिसिटी को इस लेवल पे देखेंगे, एंड माय कैरेक्टर इज़ ऑन द डेथ रो, सो विच इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में आई थिंक आज तक कोई भी कैरेक्टर डेथ रो पे औरत को डाला नहीं गया है। तीनों है डेथ रो पे? नो, नॉट इन द फिल्म। So in the film, sorry, in the film I'm on the death row, and in India, which is very scary thought, कोई भी औरत को आज तक death row पे नहीं hang किया गया है, as per the history of the country goes. So it's a very courageous film, and kudos to Nimisha
for going to the scariest places in her brain to write this. Shomanda and Ravi, sir, to execute it. Par excellence producer, Zee5, to give us a mass platform. Because Zee ki jo reach hai, wo immensely huge hai. Zee ka jo ek mass audience se connect hai. Wo to main television mein Zee ke saath kaam kiya hua, to main jaanti hu. So thank you. I think it's a great collaboration. I'm extremely honored to be a part of this film. Film mein jo look hai, uske baare mein bhi jaana. Look ke liye dekhiye. I like your happiness and excitement towards our film. मैं स्क्रिप्ट को पढ़ के डर गई थी. मुझे स्क्रिप्ट को पढ़ के घृणा हुई थी. और लुक जो है मैंने आई एम प्लेइंग अ स्ट्रीट किड. सो वी हैव गॉन डार्कर ऑन स्किन टोन. हमने स्किन टोन 6 टोन्स लाइट किया. मेरे मेकअप आर्टिस्ट धनंजय और स्वाति ऑन द है. एंड ऑब्वियसली शुमान सर को पता था उनको इस कैरेक्टर को कैसे दिखाना है. उसको हमने एक्चुअली बहुत नॉर्मल रखा हुआ है. मेरी जो आईज है हमने हेजल लेंस यूज़ की है, क्योंकि मेरी बचपन की कास्टिंग थी उसकी हेजल आइज थी. सो everything aging wise, emotionally aging wise, everything is as per the situation and the journey of this girl has led, and it's direct chosen by the director. Everything jaise ki aap dekh rahe hain ek wo 25 se 55 55 wali age ka hai aur maharashtrian play kar rahi hu pehli baar, to wo mere liye kafi interesting tha. Aur main ye nahi kahungi bahut sara dialogue baazi hai, because jo ye character hai ye bahut chup shant rehne wala character hai aur अंदर गुस्सा है बहुत. तो वो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके अंदर कम गुस्सा होता है, जो लोग शांत रहते हैं. यस एग्जैक्ट. हाँ तो वो तो जो है वो बात करती है अपने आँखों से, अपने चेहरे से बात करती है. और ऑब्वियसली जो लुक है वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, बिकॉज और आपको अपने डायरेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब सुमन दा चाहते थे कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं जो ये महाराष्ट्रियन है और इस तरह के डायलॉग बोलूँ, टिपिकल महाराष्ट्रियन नहीं बोल पा रहे हैं बिकॉज रीच बहुत ऑडियंस की रीच है, तो वो एक एक लैंग्वेज को नहीं पकड़ सकते. लेकिन उसके हमने जो थोड़ा थोड़ा ऑडियंस में वो पकड़े हैं. येस बट येस लुक पर आप अगर अब जब आप देखेंगे वो आपको दिखेगा कि काफ़ी लुक पर भी काम किया है कि वो कैरेक्टर लगे और कैसे वो एज होती है, वो कैरेक्टर एज होती है, उनके बाल कैसे एज होते हैं, उनकी लुक फेस और सब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मेहनत की गई है उसके ऊपर. यस सबसे ज़्यादा परेशानी के ऊपर मेहनत, सबसे ज़्यादा परेशानी पे 4 घंटे की मेहनत हुई, उनसे सबसे ज़्यादा पूछना चाहिए. बोल दिया इन लोगों ने. आई मीन इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विद प्रोस्थेटिक्स. इट्स एक्चुअली नॉट फन टू डू इट, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पेशेंस लगता है. जब शुमानदा ने मुझे बोला था इस कैरेक्टर के बारे में, इस कहानी के बारे में, द फर्स्ट थिंग एक्चुअली आई जम्प्ड एट वाज दैट उन्होंने मुझे एक लुक भेजा था, अपना रेफरेंस लुक, और वो देख के मुझे लगा अरे वाह यार, मतलब ऐसा कभी किया नहीं है और ऐसा बहुत कम चांस भी मिलता है ऐसा एक लुक कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के लिए. एंड जो हमारे प्रोस्थेटिक्स कर रहे थे प्रशांत दोई फोड़े एंड हिज टीम, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं ये लोग. तो 4 घंटा बहुत ही प्यार से वो लोग पूरा बनाते थे, बॉल पैच पहले और उसके ऊपर जो प्रोस्थेटिक्स विग है एंड वो टेक, एंड देन ऑब्वियसली दीपाली ऑन हेयर एंड जो भी बचा कुचा हेयर है, और साहित्या डिड द मेकअप. एंड सो यू नो दे वर लाइक 8-9 पीपल in my vanity every morning for 4 hours, 4.5 hours trying to put this look together. तो आई थिंक जब आप फिल्म देखते हैं तब आप एक ही इंसान को देखते हैं और एक्टर को देख के लगता है अच्छा बढ़िया काम किया है इसने शायद या फिर ख़राब काम किया, बट एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बारे में आप देखते नहीं हैं, आप उठ के चले जाते हैं जब उनका नाम आता है फिल्म के बाद, बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ दोज पीपल यू आर एबल टू यू नो क्रिएट वॉट एवर यू डू. एंड आई थिंक द वे द टोनैलिटी ऑफ द फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स नॉट ओवर द टॉप एट ऑल एंड इट्स सो ईजी विद अ फिल्म लाइक दिस विद अ सब्जेक्ट लाइक दिस कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दे. पर आई थिंक बिकॉज शुमानदा इज एब्सोल्युटली क्वाइट अ जीनियस एंड हिज क्राफ्ट एंड हिज यू नो हिज स्किल नॉट ओनली विद एक्टर हैंडलिंग एंड यू नो पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स बट ऑल्सो द मिज़ सीन ऑफ द होल सीन एंड द स्टोरी एंड ऑल्सो रवि हुज अ फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम FTI, ही इज़ द DOP. सो आई थिंक द टोनैलिटी they were able to sort of create jo colors hai, lighting hai, ek bahut hi eerie sa feeling hai, and I think once you see the film it's going to sort of stay with you for a long time. aap log tino jo bhi project choose karte hai kafi choosy hota hai, bhale hum late kare aap log ko dekhe
इसमें क्या खास बात लगी? चूजी का मतलब क्या होता है बताओ आप? डायरेक्टर हमको चूज करते हैं, हम हाँ बोल देते हैं, ठीक है? नहीं मैं, लेकिन कुछ होता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए तो ही हम करेंगे। नहीं देयर आर नहीं, इट्स आई थिंक वो बड़ा ऐसा होता है कि आपके पास 100 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन आपको लगता है कि मैं ये हर बार ये सेम चीज़ नहीं कर सकती। जैसे मेरे साथ हो रहा था, जब भी सेंशुअस लगना है या हाथ में दारू पकड़ानी है तो माई को बुला लो, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग हो रहा था। तो देन आपके पास जब कोई अच्छा सब्जेक्ट आता है तो आप छोड़ना नहीं चाहते उसको, यू नो यू जस्ट वॉन्ट डू इट एंड यू नो कि वो बंदा कैसी फिल्म बनाएगा। वो अब पता होता है डायरेक्टर पे भरोसा होता है, यू नो तो वैसा होता है। देन यू नो कि उसके बाद आप स्क्रिप्ट भी देखते हो, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने तो शिमांदा को बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ बोल दी थी, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हिम। हम काफ़ी टाइम से इकट्ठा काम करना चाहते थे तो मुझे पता था कि उनका कितना क्या कैलिबर है। और उसके बाद पता चलता है कि और एक्टर्स कौन हैं और कैसा है। देन यू गो ऑन द सेट और जब आप काम करते हो तो वैसे ही प्यार हो जाता है उनके साथ। जैसे बहुत अच्छा रहा हमारा जो But I have always been extremely actually choosy about the stuff I do. I say no to most stuff that come to me. Also because मैं बहुत ही bore हो जाती हूँ, मतलब अगर एक किरदार मैंने निभाया तो वो मैं नहीं करूँगी। Also you know unfortunately most of the stuff gets written for women in our country is not very exciting. I've always said that, but things are changing and actually thanks to the web and this digital revolution, really, yeah. That it's you know different kinds of characters are being written, alag alag vibhinn prakar ke characters actually dikhe likh rahe hain log. Also actors have a like bigger gamut, you know, there's a plethora of roles that actually should be written, and I think it's a great time for writers and directors and actors because you know they're, I mean people like say in this case Zee5 are taking that up, you know, risk like Ragini was saying that you know to it's courageous storytelling. yeah and people are willing to take that risk because you know it's a different kind of platform, it's digital, people will watch it over a period of time, there is no Friday box office number to be hit, which is also great, but this I think gives you a little more scope. So I mera simple fund hai, मुझे राइटर डायरेक्टर अच्छे लगते हैं, मैं हाँ बोल देती हूँ, सिंपल। स्क्रिप्ट क्या होता है ना, देखिए एक स्क्रिप्ट के आप जब, जैसे मैंने गुड़गांव की थी, गुड़गांव के मैंने 14 ड्राफ्ट्स पढ़े हैं, 4 एडिट्स देखी हैं, बैकग्राउंड के बाद पोस्ट के बाद फिल्म कुछ अलग आकार लेती है और फिर मार्केटिंग कुछ अलग तरह से होती है क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ इंट्रीग जगाना होता है। तो ओनली थिंग एज एन एक्टर you can depend upon is your director. Absolutely. He is the core of your film. He is the soul of your film. मुझे director writer पसंद आते हैं, मैं film को हाँ बोल देती हूँ, serial मैं हाँ बोल देती हूँ, simple fund है। और रही बात, और क्या सवाल था आपका? यही था ना? हाँ बस writer director. I think director पे बहुत depend करता है। I remember did a film. मैं एक film कर रही थी, मैं अभी सुमंदा जी सुबह ये discuss कर रही थी, मैं एक film कर रही थी जिसमें चीखे मारने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टर नहीं इसको जोर जोर से लाउडली बोलो डालो, उसको जोर जोर से बोलो। मैं कहती सर नहीं मुझे नहीं लग रहा ठीक लगेगा, मुझे नहीं लग रहा, वो कट ही नहीं करते आप क्या करो। और जब बाद में देखते हैं मैंने क्या किया है, ऐसा होता है। तो डायरेक्टर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, टेलीविजन इज प्राइमरी। टेलीविजन का क्या होता है, अभी एक सीरीज हमारे 3-3, 4-4 साल चलते हैं, तो कितनी बार आप सेम डायरेक्टर नहीं रख सकते हो, कितनी बार राइटर्स भी बदल जाते हैं। सो टेलीविजन का जो फेस रहता है वो आपको उसकी आदत होती है, इट्स हैबिचुअल व्यूइंग। सो द फेस ऑफ द टीवी शो एंड द प्रोडक्शन एंड द नेटवर्क डोंट चेंज। राइटर्स मीडियम है टेलीविजन, एवरीथिंग एल्स इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। थिएटर वर्ल्ड सिनेमा, थिएटर हां बट थिएटर इज अ राइटर एक्टर्स मीडियम। सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम but still you have one director who sets the call, but theater is an actors medium. aap jaake kuch bhi kar lo wo actor pe hi hota hai, that she can come in better because ha aapke haath mein fantastic 19 days mein humne ye film khatam ki hai 19 din mein aur real locations mein ki hai, real locations mein ki hai aur jail mein ki hai jo hame lagta hai ki sabse disturbing i think tha, it's very eerie kind of feeling, yeah to locations bhi interesting thi bahut zyada, bhag daud chasing choosing sequences se shaun ne to mere se bahut maar bhi padi hai bhai, itni maari hai mujhe aur maine inko hold de rakhe, aise acting karungi sir, nahi bhai maro koi baat nahi koi film, main inko maar bhai ne mere sath
माही को शायोनी ने बोला कि आप मारो, तभी उन्होंने मारा। नहीं नहीं वही तो हर टेक में ना बेचारी, और ये बहुत ही ना मतलब रोल्स ये करती जनरली, इफ यू सी हर शी सीम्स लाइक अ बहुत ही मतलब ऐसे डरावनी, नॉट डरावनी बट आई थिंक स्ट्रांग एंड अथॉरिटेटिव, बट एक्चुअली बहुत ही लाइक बहुत ही स्वीट इनोसेंसी है एंड बहुत ही नॉन वायलेंट है, ठीक है। और इसको ना बहुत खराब लग रहा था मुझे मारने के लिए, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है ये माँ और इस वाली बेटी का, कि बहुत मारती है ये पकड़ के, तो माही ना मुझे मार रही है पर ना वो मार नहीं रही है, तो मैंने बोला मारो मारो, तो बोल रही मार तो रही है, नहीं नहीं और भी मारो भाई। उसके बाद जो पता नहीं कौन सा कितना आठवीं का हाथ हाँ, जाग उठा, एट और नाइन्थ टेक, ओ माय गुडनेस, शी डिड नॉट इन द फिल्म, इट्स रियल, नो एंड शी रियली, और मारा नहीं लाते और मुक्के, मतलब शी लाइक दैट डे तो माय बोन्स वर एकिंग, इतनी मारा। फाइनली रक्षाबंधन ऑफ 15th अगस्त भी परफेक्ट फिल्म टू वॉच फॉर इंडिपेंडेंस डे पोशंपा इन 21st जुलाई को, 21st अगस्त को आ रही है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द नेटवर्क टू एवरीवन। इंडिपेंडेंस की कीमत प्रिजन वालों से पूछें तो ज्यादा सेंस, और 21st अगस्त को ये फिल्म आ रही है ओनली ऑन Zee5। आप लोग की जो राइमिंग लाइन है इसमें हम सुनना चाहेंगे, तो ये वो राइमिंग लाइन नहीं है, वो पोएट्री है पोशंपा जो हम बचपन से सब खेलते हैं, है ना, तो वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट है जो डायरेक्टर सर ने वो सुनना चाहते हैं पोशंपा, तुम्हें आती है, तुम बता दो मुझे नहीं आती है, पोशंपा वो सुनना चाहते हैं, हां डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, आप इधर 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 आओ। मुझे एक्चुअली मैंने बचपन में कभी बंगालियों में नहीं बोलते थे, हमारे बहुत थी पोशंपा, हमने मैंने सुनी है, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरनेट पे गूगल कर दो पूरी पोएट्री पढ़ लो, क्या दे दे। हाय मैं हूँ माही, अच्छा हैप्पी रक्षाबंधन, हाय मैं हूँ माही गिल, और हम सब की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, एक दूसरे का रक्षा करिए, नो एब्सोल्युटली हैव फन गाइस, थैंक यू, ऐसे ऐसे टच एंगल, ये तो इधर आ गए हम लोग, उधर रागिनी को इधर चला गया, वही तो अजय रोल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कहना चाहेंगे पोशंपा के? No, Poshampa is a very different kind of film, and it is a film based on, inspired by true events, collating, taken from different things which happened in India. So that kind of gave a kind of a story with one mother and two daughters who are psychopath killers. And we tell their story. It is a lot of, and there are two documentary filmmakers played by Iman and Shivani. They are trying to get an in-depth study of this killer's two sisters, played by Sayani and Ragini, and their mother, played by Mahie. So they're trying to make a documentary on them, and they are finding the truth, the lot of truths and lies. So I think that's a very interesting scope, and it talks about society, it talks about human beings, and how they relate to how they become psychopath killers, you know, in this context. And it is true, it happened in India many times, the research says that. See, huh? You said everything. Okay. So, yeah, it is a very interesting thriller, because usually when we show something like this, we show how it has happened. But this time, because we are showing it from the eyes of our documentarians, we are trying to reveal different things. We are trying to understand their psychology, understand, you know, if there is some sort of humanity behind it,
it or basically understand the human perspective when there's a crime happens. So yeah. Yeah, it's a very exciting film और ये एक thriller है उसका एक genre जो है उस genre के अंदर एक अपना उसका I think place है and it's a very exciting film and I'm looking forward to hearing the response of the audience. I think it's going to go down pretty well. सभी ने आपकी तारीफ की, हम बोल सकते हैं श्यामी रागिनी माही हम भी करेंगे अभी कितना research आपको करना पड़ा. Look, it is a very difficult film to mentally to do this film like this as a director and to convey and the actors to be in that space, all of them. It is a very difficult process. So we tried to do as much we can to, I think actors were very intensely tried to get into that space because it's a very difficult space to go to killing children. It's a very difficult space to go, and for actors it was very difficult. And I saw the breakdowns on the set. I saw that, you know, they are, and we all. It's a very difficult subject. It's at the same time human. It has the humanity. It has that family, the mother and two daughters, their bonding. At the same time, they're killers. You know, it's very difficult to get into that zone. And again, the two documentarians who are arguing with each other because they are getting confused because. Everything is not truth, what they're hearing. So I think that to deal with this scope of the characters, to get into this mindset is very difficult. So I think that our acting team, the ensemble was superb. Everybody played their role and everybody came out in their own colors. And everybody had their own way of doing it. And that I think Mahie, Sayani, Ragini, every different characters and all the shades and hues of the characters came. Imadan, Shivani, young documentary filmmakers. So I think that's the power of the film here, that I think the performances also make a film. You know, filmmaker, of course, can guide the actors, but the actors finally make out, bring out the step. So I think that if they are also saying good things about me, I have millions of good things to say about them, how they really worked very committedly in this project, and they were always nervous. I think that's the most important thing, that they are not confident. They're always nervous how to bring out the character, and that gives the creativity. You know, when you're not completely certain, I know what I have to do. And I think I saw that tension in the performance, and that was brought out on the screen, that came out on the screen. उन्होंने तो कहा कि हमने सिर्फ सुमना दा का नाम सुना और हमने प्रोजेक्ट चूज कर लिया बस और कुछ नहीं चाहिए था उनके साथ काम करना था बस. आप क्या कहना चाहेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और जेल में शूट हुआ है ये फिल्म तो कितना डिफिकल्टीज हुई. इट वाज अ डिफिकल्ट दैट आई सेड अर्लियर दैट टू शूट द फिल्म इन रियल लोकेशंस एंड लोकेशंस व्हिच आर नॉट वेरी फ्रेंडली इन दैट वे बिकॉज़ दे आर फ्रॉम अ वेरी यू नो दे आर फ्रॉम द रोड्स दे आर फ्रॉम द. So I think that made, and all the actors were completely comfortable. Nobody complained anything. So I think that they got into the film. All the people who are the cast, they got into the film, they got into the characters, and that troubled them psychologically. So we have sleepless nights during the shooting. We have breakdowns on set. We are, so that is important. So we are doing something living. Something is living, you know. So you can feel the pulse moving while shooting. So that's important, you know. So I'm really thankful to my cast, my crew also, who really was like my DOP, Ravi Kiran, and again the post-production, Tinni Mitra, the audiographer. Everybody bring the life to the film, and that I think that of course we are waiting for the response of the people. We can say good things about our experience, but finally, it is the people's verdict. How I would like the film. अच्छा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा. मैं तो ये नहीं कह सकती कि मैं इनका नाम सुन के आई थी बिकॉज दैट वुड बी अ लाई. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे स्क्रिप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जेन्युइनली. और ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं था पहले, वेयर यू नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवन्स पर्सपेक्टिव. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. देन आई मेट शुमंदा आफ्टर दैट. And after working with him for 2-3 days, he's one of the best directors I've ever worked with. Because the way, like, we had very limited time. We had, you know, limited things to, the circumstances were tough. And the way he has shot it. So I never felt that, you know, we are going to compromise on anything because we have a good director on board. So, you know, that gives you so much comfort as an actor that sometimes you're not very comfortable in the first shot.
you take your time to warm up, but he was always there with us, so it just makes the it makes a huge difference. So I'm very, very happy and very glad that I got a chance to work with him. Now I'll eventually in future might be like, acha samanda hai, I'll do this project now. So maybe. Yeah. Hamare characters ka graph bhi kafi interesting tha. And it's a kind of, at the end of the day, it's a mystery at some level. And I love that style. There's always like questions that have to be answered. There's suspense. And at the same time, it's very exciting. And Shumanda, I think, had a great feel for making that dark and entertaining mood kind of come to life. So I think us tarah se agar dekha jaye, is film ka mood wohi hai, and it works really well for the subject matter. And the director and the whole team did a great job of creating that vibe and creating this mood of suspense and lurking kind of energy. And it was really interesting for us. मैं अपनी बहनों से मिलूंगा ऑफ कोर्स पर मैं अभी दो दिन में एक और शूट के लिए निकल रहा हूं सो इट विल बी सेलिब्रेशन विल बी लिटिल लिमिटेड अभी मेरे लिए तो मैंने 4 साल से रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किया मैं बॉम्बे आ गई बट फॉर द फर्स्ट टाइम माय ब्रदर इज कमिंग टू टाउन सो यस ऑब्वियसली विद हिम पर शाम में आ रहा है तो क्या मेरा तो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है सो आई विल बी बिजी विद माय पोस्ट प्रोडक्शन द फाइनल टचेस इन पोशम पा कोई मेमोरी हमसे शेयर कर सकते हैं Very interested in Rakshabandhan. Okay. No, memory means that, look, I have. We are two brothers, so there are no sisters. So I think that there are certain, then one day you are, you know, in the youth, not now, that you are feeling that nobody is there to put Rakhi. Then somebody else comes, you know, who unknown if you'll, sister. If you want to buy me a gift, I can come. Look, now she's asking for, I have to gift her a Rakhi and she has to put in my hand. Not Rakhi. Rakhi, I will get. Okay. You get me a gift. Okay. That I will do. So I think that's memory that when I'm sitting alone with all my friends are wearing this thing, then somebody comes and puts, that feel that, okay, there are sisters in the world. But memories, yeah, matlab, I, as a kid also, I used to be very interested in all the festivals, not just Rakshabandhan. So I remember clearly we used to put mehndi. That used to be a thing, and we used to dress up like every day, every night. We used to decide ki kal kya pehenna hai, and when I was young, I didn't have a brother. He's 5 years younger to me. I used to like, arey sabke bhai hai, mummy, please just get me one brother because just to celebrate, there was no other, just to celebrate the festivals. And I think that's the beauty of any festival in India. And Rakshabandhan, obviously, it's a nice festival to you know, I just want to add one thing. Rabindranath Tagore tried one thing. It is not about the brothers only, the sisters putting on brothers. Everyone can put Rakhi on everybody. So that's the bondage. It's the fraternity, it's the brotherhood, the sisterhood to everybody. So Tagore tried that in Shanti Niketan. That male, female, male to male, female, everything. It's Rakhi, means it's bondage, it's bonding. Yeah, that family feeling can come from anywhere, I think. Why should only a male look after a female? That's also patriarchal. No, but actually, that's not the concept of Rakshabandhan, by the way. I just got to know, Rakshabandhan, you tie Rakhi, basically. I recently got to know, you tie Rakhi, basically, it's, you are wishing well for them. Like, we are basically, I've just read this thing. In some, this is how they, because when they used to go for fights and everything, the sister used to tie Rakhi to say that, you know, God protects Take you. Care and of God, yourself. Yes, just be protected. Hmm. So that's the reason. We think the brother has to protect us, so that's why I'm tying Rakhi. That's not the thing. I was like, what a sexist festival. Now we are all protecting each other. Yeah. हाँ तो मेमोरी स्पेसिफिकली तो नहीं है कोई पर माय सिस्टर एंड माय कजिन सिस्टर्स एज वेल आर दे आर लाइक माय बडीज एंड टुमारो डे आफ्टर इज डे टुमारो इज अ ग्रेट एक्सक्यूज टू मीट अप विद माय सिस्टर्स एंड हैंग विद देम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डेफिनेटली टू सी देम साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजादी का मतलब क्या है अरे यार ना आजादी का मतलब तो बहुत है इट इज नॉट ए वेरी सिंपल डे बिकॉज़ Independence is a very important day, Independence Day, but it came out with a lot of price also in India. We all know about that history. So I have mixed feeling about that, what I'm saying. It's of course a day of pride that we took out the colonial rulers, but it came with a lot of blood and price also. You know, that's what I'm saying. Are we independent?
You sure? No, it's, for me, independence is basically when you can do whatever you want. It's not about, like, if I want to do something and you want to do something else, that's fine. Like, but it just, you have to have that right that you do whatever, but, you know, the sense of freedom, I don't know. I sometimes feel I'm not free enough. But, I can only wish happy Independence Day. If you think you're free. Yeah. I think Azadi in art, Azadi in press, dar se Azadi, Azadi of expression, and also, at the end of the day, a feeling of, like, what you're talking about, brotherhood and family feeling. I think it's important to, like, be able to understand people who are a little different from you. If you don't agree on something, that's particularly more important. I feel that you be able to reach out to that person and agree to disagree, or maybe discuss, like, what you need to. But I think Azadi can mean so many things, and it's the most important thing right now. Hey guys, wish you very, very, very happy Raksha Bandhan and a very happy Independence Day. Yeah. Happy all of you, happy Independence Day and happy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan and happy Independence Day. All the best. Thank you. Thank you so much.